अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात नाज़रीन, आज मैं 12 रबी अव्वल, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है ना जी। अच्छा, आज हमने बनाना था व्लॉग। फ़ाइज़ भाई को सुबह से मैं, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क्स तो आ नहीं रहे, तो उनको मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा था, तो जवान के बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। अभी ये आए हैं, देखें, ये देखें भाई, ये आ चुके हैं। और ये जो हैं आते के साथ ही, इन्होंने कुछ खाया हुआ ही नहीं था, ठीक है ना जी। तो ये आए हैं खाने के लिए, इनको खाने से पहले ना कुछ इनसे हो ही नहीं सकता। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं जो हूँ ना, खाता पीता रहता हूँ। नहीं नहीं, खाता नहीं, उठा हुआ था, आँखें नहीं खुली हुई थी खाली, बाकी में उठा हुआ था। कुछ भी, तो आँखें नहीं खुली हुई थी तो कैसे उठा हुआ था? तुम मरा हुआ था बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये अभी तबीयत से लेकर आए, तो ये बोलते हैं मेरे फैट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं जिम जाऊँगा, ये जाऊँगा, वो जाऊँगा, कहीं जाएंगे उसमें फैट ही नहीं होता, ये सीधा जन्नत जाएंगे। देख रहे, अभी मैंने असली जगह का नाम ले लिया ना, तो इनकी आंखें बाहर आ गई, वैसे आंखें ही नहीं खुल रही थी भाई की। ये देखो शुरू हो गया था बस। अब आपको पता है आसरा तो ये करते ही नहीं है। ये फाइज खापड़ नाम है इनका पूरा ना, ठीक है भाई? तुम्हारा नाम हैदर पापड़। खा लें तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे इलाके में किस तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। जी हाँ, तो नाज़रीन वेलकम बैक, और मैं खा चुका हूँ, अब हम लोग निकल रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि हमारे इलाके में 12 रबी अव्वल किस तरह मनाई जाती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे इलाके में जो है जोश व खरोश के साथ जो है वो मनाई जा रही है 12 रबी अव्वल। और जो है हम लोग जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह जुलूस निकल रहे हैं, सबीले लगी हुई हैं, अपना लंगर बढ़ रहा है। ये देखें, अबे बाहर आओ ना, तुम्हारी तुम्हें क्या वो है यार, वो गाड़ी फिर बंद करनी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा। नखरे नहीं करो, बाहर आ जाओ। वाह, कैसी बेहतरीन जगह से बाहर आया बंदा। आप वो देखें, मतलब शरबत वगैरह मिल रहा है, और ट्राई करें कैसा है। ये जो है ना, ये इनको नखरा हो रहा था, ये बोल रहे थे मैं यहाँ। मैंने असल में अभी कोल्ड ड्रिंक पी है, तो मैंने इस वजह से नहीं, वैसे मगरिब के बाद हमारे घर के नीचे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे सारे लड़के मिलके करेंगे, तो अगर मौका मिला ना तो आप लोग को वहाँ का भी दिखाएंगे। मौका क्या मिला, हम क्या मर जाएंगे यहाँ पे? बढ़िया था गुरु, आप ही चल के दिखाते हैं भाइयों को। तुम तो मर ही जाओगे, अपना तो नहीं पता, फड़े आओगे तुम किसी दिन ना। आप लोग रश देख रहे हैं, कितना ज़्यादा रश हुआ है, यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी, आप नाज़रीन जिस तरह लोग निकले हुए घरों से जो है जोश व खरोश के साथ जो है 12 रबी अव्वल मना रहे हैं। देखें आप, ये देखें, ये यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा था ये? अरे भाई, ये यहाँ पर शिन्नी बट रही थी, शिन्नी नहीं पता, न्याज। अरे एक मिनट भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ भाई, मतलब ये कि आप लोग को कम दिखा रहा है, ये देख रहे हैं कि कहाँ बिरयानी कोरमा वोरमा मिले ताकि ये बैठी है जाके, और कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये चलाता है। अरे किसी को अपनी तरह समझा भाई, ये देखे हर कोई जो है ना, इतनी आवाम निकली हुई है, देखें हर जगह जो है प्रोग्राम हो रहा है बटने का भाई, ये तो आपको पता ही नहीं है अभी कराची में कैसे कैसे बटता है। ये ना, ये दो नंबर आदमी, इसने हमें बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इलाके में कैसे होता है। हमारे इलाके में नहीं, पूरे कराची में किस तरह मनाते हैं। हम अपने इलाके से बहुत दूर आ चुके हैं, हम अपने इलाके में नहीं हैं। जुलूस निकला हुआ भाई, गाड़ियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही, वो देख पीछे हैं लेकिन यू टर्न इधर से निकल जाते हैं, यू टर्न करके हमें आना पड़ेगा अपनी तरफ। देखें आप, गाड़ी से कैसे आगे लंगर का खास इंतजाम है,
इसको मिल गया है नाज़रीन, और अब ये बोलेगा बस यही गाड़ी लगवाओ और मुझे खाने दो खामोशी। तो अंदर है, अंतर्यामी बन गया मेरी घिटी बात समझ। यहाँ से यू टर्न लो तो घुमाओ वापस, फिर हम आपको दिखाते हैं। अरे वो देखें आप, सब छोड़े नाज़रीन, उधर भी कोई ना कोई संपट हो रहा है। रास्ते में लोग खड़े हैं भाई, ये देखें भाई। भाई मैं लेके दिखाऊं इनसे, लेके दिखाओ। चलो भाई भाई लेके दिखाओ। ये मोहब्बत है भाइयों, ये देखो भाई ने दिया। ये लो भाई तुम ले लो, मेरे तो वसूल दे तुम भी खा लो। ये देख रहे हो, ये चेहरे चेहरे की बात होती है, वरना वो बोलेंगे कि चार चार दफा ये शक्ल बदल कर आ रहे हैं लेने के लिए। अरे बस कर दो, तुमने अभी मेरे सामने अल्लाह के नाम पे मांगा। इस तरह लोग लूटने का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, लूटने का एहतमाम कौन सा होता है भाई? लूटने का एहतमाम होता है भाई, हमारी आवाम बंदर का किरदार अदा कर रही है। जनता माफ नहीं करेगी। उछल उछल के बच्चे बड़े घर से थैलियाँ लेके निकलते हैं कि भाई जमा करके लेके जाना है, 3 दिन तक खाना है। कौन है ये लोग? लूटने का एहतमाम क्या होता है? ये होता है लूटने का एहतमाम। ये लोग ट्रक पे भर के निकलने वाले थे, लेकिन ये बाइकों पे जा रहे हैं। नाज़रीन मैं बाहर निकल आया बहुत मेहनत से, लेकिन जो है मैं आखिरकार निकल ही आया बाहर आपको दिखाने के लिए कि देखे जुलूस किस तरीके से जा रहा है। आप कुछ बोल रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ पेट तुम्हारा फट रहा है इधर ना, इतना गैप नहीं है, देख लो भाई। इनका कहना है कि मैं पेट बाहर निकाले खड़ा हूँ, आप देखो कौन सा पेट बाहर है। कोई पेट बाहर नहीं है भाई, नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ मैं। इन्होंने सिर्फ बम दिया है और कुछ भी नहीं है। शाम का वक्त देखे जैसा हो रहा है। अच्छी तरह सांप की तरह आ गया। अबे तुझे किसने बोला था मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले? कैसी गाड़ी लेते वाली गाड़ी वो ले रहे थे? कम से कम यहाँ से हम आराम से निकल तो जाते। हैदर भाई थोड़ी सी जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई कि मैं एक मिसरा पढ़ूंगा नात का, तो आप सुने इनसे जरा। जी हैदरत, एक मिसरा पेश करूंगा जो आजकल हालात हैं हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, उस हवाले से एक शेर पेश करूंगा आपको। इरशाद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, कि बदन नूर जिनका है, दिल नूर जिन ज़बान नूर जिन की, अमल नूर जिन का, अमल नूर जिन का, तो ये खाकी बनाएंगे क्या उनके खाके, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकअल्लाह जी। तो आपने देखा हैदर भाई ने एक मिसरा पेश किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो उम्मीद है आपको नाज़रीन ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और व्लॉग या नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिएगा इस हफ्तेपन के साथ, के अपना बड़ा ख्याल रखें। हमें लगत नहीं बने, अल्लाह हाफिज़। मैंने आपको बताया था कि हम आपको दिखाएंगे हैदर भाई घर के नीचे किस तरह एहतमाम हो रहा है और क्या बिरयानी वगैरह बन रही है, क्या सीन है।
तो हम आए हैं अब आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे सारे फ्रेंड्स हैं ये करते हैं कि सब मिल बांट के पैसे मिला के ना गाय लेकर आते हैं बाकायदा, सुबह में कटती है और ये एहतमाम इनको दिखाएंगे फाइज भाई आपको। अरे तो पहले बताना था ना, हम आगे गाय भी देखते कैसे कट रही है भाई। अभी आप देखें बिरयानी की देखे वगैरह स्पीड में लगा रहे हैं।